भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। ये सब प्यार प्रसंग के मामले हैं और प्यार में हिंदू लड़का भी पड़ता है, हिंदू लड़की भी पड़ती है, मुसलमान लड़का भी पड़ता है, मुसलमान लड़की भी पड़ती है। ये लड़कियां बेवकूफ़ हैं क्या, इनको पता नहीं कि भाई जिस लड़के से हम प्यार करने जा रहे हैं या रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं उसकी जानकारी कर ले। हमारी बहन बेटियों के साथ जब अत्याचार होता है तो खून खौलता है, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद तब तक बंद नहीं होगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उन पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर, इसके मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया था सुबह 12 बजे तक, अगर तू बुरखा पहन के नहीं आई तो तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और तुझे जान से मार भी दूंगा। धमकी बस यही कि ना धर्म परिवर्तन कर और ना अल्लाह की राह पे चल, सुन्नत बन, ऐसी ऐसी बातें करता था मेरे साथ, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी मम्मी को दूंगा। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ हमारे देश का दुर्भाग्य है, वह कृत वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है, लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। ये पागलपन का बयान है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, समाजवादी सोच पर आधारित है। भारतीय संविधान धर्म विशेष की वकालत नहीं करता। हिंदू राष्ट्र की बात कर देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो देश को बांटने का बीज बो रहा है। इस देश की हमारी कौमी एकता को चोट पहुंचाने के लिए कुछ तत्व जो हमारे देश के शांति के दुश्मन हैं वो लव जिहाद जैसे मामले चलाते हैं। इसमें वो हमारे देश के मुसलमानों को भी बदनाम करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बीजेपी रूल एस्टेट में जगह जगह कानून आने लगे हैं, पूरे देश में भी ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता। मैं तो अब मुस्लिम नौजवानों से यही अपील करूँगा कि आज देश के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक जगह हालात हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए, इस किस्म के किसी चक्कर में ना पड़े, कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाले चक्कर में ना पड़े, वरना उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी।